रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्पीच ऑफ द ब्लेसिंग द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूबे कैदी 6803-8803 सफा नंबर 37 37 सफे पे जो है, द वॉशरमैन हैज नो क्लॉथ्स ऑफ हिज ओन, जो कपड़े धोता है धोबी उसका कोई अपना कपड़ा नहीं होता धोने के लिए, पीपल ब्रिंग अलोंग डर्टी क्लॉथ्स, लोग अपने गंदे कपड़े उसके पास लेके आते हैं, हैव देम वॉश्ड और वो उनको जो है वो धो देता है, साफ कर देता है, उनसे जो है वो डर्टी बन दूर कर देता है, एंड टेक देम अवे और फिर वो लोग उसको वापस ले जाते हैं। बड़ी जबरदस्त बात है, समझने की बात है, इसकी पहले तशरीह कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद अगला जुमला उससे भी अच्छा है। धोबी की मिसाल दी है, धोबी एक जैसे एक मौलज है, उसके पास जब एक मरीज लाया जाता है जैसे उसके कपड़े डर्टी होते हैं लोगों के गंदे होते हैं, ऐसे ही मरीज जो है वो उसके अंदर डर्टी बन हो जाता है, उसका माइंड डर्टी हो जाता है, मालज उसके मालज जो होता है फकीर हो, मालज जो है असल में रूहानी मालज भी होता है, वो उसकी रूह को साफ कर देता है, उसके जो जैसे कपड़ों को साफ करता है धोबी, इस तरीका से एक मालज जो है वो मरीज की जितनी भी जो है गंदी आदतें गलती इलते नशा और इन चीज़ों को साफ कर देता है, उसको जो है जो बैठने का तरीका नहीं और ये सारा कुछ जो है वो उसको साफ कर देता है, ये मालिश का काम है। जैसे धोबी का कप कपड़े धोना है, इसी तरह से मालिश का काम जो है वो मरीज की सफाई करना है, मरीज के अंदर से गंद निकालना है। जैसे दरख्तों के पत्ते गिरते हैं ऐसे जो है ये इस मौसम में अल्लाह ताला फिंसी फोड़े निकालता है ताकि हमारे जिस्म से गंद मार जाए और निकल जाए, पसीने के जरिए जो है वो हमारी सफाई हो जाए। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इस तरीका से धोबी जैसे कपड़े धोता है और फिर वापस वो ले जाता है जिसके कपड़े धोए होते बिल्कुल साफ उजड़े कपड़े जो है वो उसको दोबारा मिल जाते हैं। इसी तरीका से जब किसी मालिक के पास कोई गंदा मरीज डर्टी मरीज आता है जिसके अंदर जो है डर्टी आदत होती है, जिसके अंदर जो है वो डर्टीपन होता है, जिसके अंदर जो है वो नफसियाती तौर पे वो जिनसी बेरहमी का शिकार होता है, किसी और बेरहमी का शिकार होता है, वो जब इन चीज़ों के मुतल्लिक आता है तो फिर जो है मालिक उसको जाइए मुकम्मल तौर पर छुपाए कामला हाजरा ता फरमा के उसको वापस भेज देता है। तो इसी तरीके से व्हाट वन डज नॉट इवन लाइक टू लुक एट, क्या उसको कभी आपने देखा है कि उसके अंदर क्या है? बेचारा गरीब सुबह उठ के जो है वो सुबह सुबह उठ के जाता है और जाके जो है वो कपड़ों को धोता है, अपने जिस्म को यहाँ तक जो है वो घुटनों तक वो अपने जो है वो पाँव को नहर के अंदर दरिया के अंदर समुंदर के अंदर जिस जगह पे पानी हो उसके अंदर वो डुबो देता है और फिर जो है कपड़ों को निचोड़ता है, कपड़ों को साफ करता है, उनको साबुन लगाता है और फिर जो है क्या है जो उसमें बिकम वंस मोर डेकोरम ऑफ द कबोर्ड, क्या
आप जो है उस अलमारी जो आपके अंदर अलमारी मौजूद है उसका डेकोरम जानते हैं, वो जो है नज़्म व ज़ब्त उसका जो है वो जानते हैं। तो उसका नज़्म व ज़ब्त क्या है? तो एक मालिज का नज़्म व ज़ब्त होता है, मालिज एक कबूतर की तरह होता है और जो है वो उसका भी अपना नज़्म व ज़ब्त होता है कि वो मरीज को कैसे जो है वो शफा देता है। इसके मुख्तलिफ जो है रूहानी तौर पर जो है बेहतर करने के बहुत से तरीके हैं। उसको जो है अच्छे जो है वो ख्वाहिशात अच्छे ख्वाब दिलाने से जो है इंसान बेहतर की तरफ ले जाता है। तो जब इंसान जो है जो मालिज होता है वो किसी को बहुत ज़्यादा जो है नरमी से अफहाम व तफहीम से और मुनासिब तर्ज अमल से अपना पसंदीदा माहौल पैदा करके अपनी बात मनवा लेता है तो उससे क्या होता है कि मरीज जल्दी जो है सेहतयाब होने की तरफ जो है वो रागब हो जाता है। उसका डर्टीपन उसके कपड़ों के जो डर्टीपन है जैसे वो दूर होता है, इसी तरीके से माइंड का डर्टीपन भी जो है वो पालत से दूर हो जाता है। भैंस दूध देती है सफेद तेरे वास्ते, भैंस दूध देती है सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाती है शहद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाती है शहद तेरे वास्ते, रब ने बनाया जहाज तेरे वास्ते, रब ने बनाया जहाज तेरे वास्ते, भैंस दूध देती है सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाती है शहद तेरे वास्ते। ये सारी दुनिया तेरे ही लिए बनाई है, तू इसको समझने की कोशिश कर। जब तुम अपने अंदर जाग लेगा, बाबे बुल्ला शाह फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि जब कोई इंसान अपने अंदर जाग अपने अंदर झाती तो मार जरा अपने अंदर देखते सही तेरे के अंदर कितना गंदा है, इन्हें पहले साफ कर उस तो बाद फिर तू दूसरी गल कर। तो ये बुल्ले शाह का फरमान है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है बहुत बड़े अल्लाह के कलंदर और वली थे। तो इस तरीका से जो है इनकी वलायत जो है वो ये अमानत अली के जो है ये इनके पीरो मुर्शिद थे। तो इस तरीका से जो है अमानत अली रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह ताला इनकी जो है वो बरीके रहमत के अंदर जो है वो जगह अता फरमाए। तो हम मोटापे का आज आखिरी टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने के बाद इसको वाइंड अप करेंगे और कल हम जो है वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर आप जो है एक प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे और साथ साथ हकीमों का जिक्र तो हम करते ही रहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें जो है ये कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, नाश्ते का इंतखाब कैसे करना चाहिए, हमें जो है रात का खाना कैसे करना चाहिए, मीठा खाने की तरकीब क्या होनी चाहिए, कब्र दोपहर जो है वो भूख का एहसास खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, डाइट कोला पीनी चाहिए, लस्सी चाटी के काफ़ी वगैरह पीनी चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए और खीरा तर मूली और इस तरीके से बंद गोभी और टमाटर वगैरह जो है वो भूख का एहसास खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से शाम को डाइट कोला चाटी की लस्सी वगैरह नींबू पानी और भूख को अगर सताए तो हमें जो है गर्मा सर्दा खरबूजा तरबूज पपीता अंजीर लोगाट जामुन शहतूत आजकल नाशपाती बड़ी आई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी सस्ती है 50 रुपये किलो। आड़ू आड़ू भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आड़ू महंगा हो गया 200 रुपये किलो हो गया है। जैसे फल मुनासिब मकदार में हमें जो है एक प्याला के बराबर जो है मुमल लेना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता जो है आपकी मर्जी है कि आप जो है एक स्लाइस ले लें जिसमें जो है वो 120 कैलोरीज होती है, छोटी दही की प्याली ले लें उसमें 130 कैलोरीज होती है, रात के खाने के अंदर जो है आप छोटी पतली चपाती ले लें सब्जी के साथ उसमें जो है 300 कैलोरीज होती है, और मीठा खाने के लिए आप जो है कस्टर्ड वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए जो मुनासिब शुगर का इस्तेमाल जो है वो करें। तो हमारे यहाँ पे जो है बहुत से स्लिमिंग सेंटर बने हुए हैं, मैंने जगह जगह स्लिमिंग सेंटर बने हुए बड़े इश्तहार आते हैं जी, खासतौर पर ये जो हमारे ना मैगजीन है जुबा मैगजीन या पता नहीं कौन से मैगजीन है इनके अंदर बड़े बड़े इश्तहार है कि जी स्लिमिंग सेंटर हमारा है जी इसमें आए और एक हफ्ते में वजन कम कर लें।
तो मैंने जिन लोगों का भी जो देखा है बुरे हाल हो गए उनके, जो भी इन लोगों के पास गए, ये सारे जो है मेरे ख्याल में जो है सारे जो है वो बहुत बड़े जो है वो, मैं नहीं कुछ कहना आगे चाहता तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी बात करना चाहता हूँ। तो ये लोग जो है ये इनसे बचना चाहिए, इनके स्विमिंग सेंटर के अंदर जो है मशीनें जदीद तो जरूर है, लेकिन ये जो करते हैं, जो दवाइयां देते हैं, जो गिजा देते हैं, जो ये करते हैं, अल्लाह उससे माफी करे। और मैंने बहुत से लोगों के गुर्दे फेल होते देखे हैं, बहुत से लोगों का दिल फेल होता देखा है, बहुत से लोगों के जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ती देखी है, सांस फूलने का अमल हो जाता है, और ये वाला जो है जितने भी जो है वो ऐसे बीमारियां पैदा करवा देते हैं जिसका जो है मेरी समझ में कोई इलाज नहीं होता। बाकी जो है लोगों की समझ में शायद हो, लेकिन जो भी मेरे पास लिविंग सेंटर से ऐसे लोग आए हैं, मैं उनका इलाज नहीं कर सका, मैं उनसे जो है माफी मांग लेता हूँ कि भाई साहब आप मेरे पास इसका हल नहीं है। तो बहुत तेजी से मतलब काम करना जो है इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह होता है। कभी भी जो है वो कोशिश करें कि आप जो है वो तेजी से वजन ना कम करें, हमेशा जो है स्लो एंड स्टडीज विद द रेस। ये मैं शुरू से आपको या मेरे दोस्तों को ये बात कहता रहता हूँ। तो जब आप तेजी से वजन कम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं भी एक अपना भाई इसी तरीके से खो चुका हूँ, मेरे हमदर्द थे मुख्तार साहब, उनको शुगर थी, सऊदी अरब से तशरीफ लाए थे, तो वो जो है वो इंसुलिन लगा के जो है सुबह सुबह सैर के लिए चले जाते थे, साथ अपने टॉफी वगैरह ले जाते थे या के कुछ चीनी थोड़ी सी ले जाते थे। एक दिन टॉफी और चीनी दोनों चीजें वो भूल गए घर में। अब शुगर वो उनकी लो हुई, उनको चक्कर आया और वो जमीन पे गिरे, उनके पास ना ही टॉफी थी और ना ही जो है ये चीनी थी। तो इस तरीका से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो यकदम जो है शुगर को डाउन करना, यकदम जो है वजन कम करना, यकदम कोई भी काम तेजी से करना इंतहाई नुकसानदेह चीज है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग तेजी से इस तरह से काम करते हैं इनको जो है गैर जरूरी थकन, ठंडक का एहसास, खुशक जिल्द, बेरंग और तेजी से गिरते हुए बाल, बहाना याम और हैज की बेकायदगी, कब्ज़, दिमागी कामों का जो है वो अदम तवज्जी और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसमें विटामिन और मादनियात की भी कमी हो जाती है और जिसकी वजह से जो है दौरान हमल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बाद लोगों को फालज और लकवा तक के अमराज भी जो है वो हो जाते हैं और अक्सर लोगों को नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। और डायबिटिस के मरीज जो है जब यकदम जो है गुजार को छोड़ देते हैं तो उनको भूख भी लगती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने वालदैन को परेशान करते हैं, अपने बच्चों को भी परेशान करते हैं। इस तरह से जो है वो कम तवानाई वाली गजाएं जो है वो वजन को तेजी से काम करने की इजाजत नहीं देती। तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम वजन को कम करने के लिए उतनी ज्यादा जो है वो वर्जिश जो है वो ज्यादा करें। शुरू के दिनों में हमें जो है थोड़ी सी जो है वो अजाफी वजन में काम करने यानी कि जो है कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इन चीजों से जो है वो बचना चाहिए। जितने भी तार बार जो है स्विमिंग सेंटर है उनसे हमेशा दूर रहे, कोई भी जो उनके पास ना जाए, ये इंतहाई ज्यादा जो है वो आपके जिस्म को तबाह कर देंगे, जिस्म फूल जाएगा आपका, या आपका जिस्म जो है वो ऐसे हो जाएगा जैसे कांटे जैसा है। तो इनके पास जो है वो जाना चाहिए, हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं, थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसी अद्वियात फाइबर वाली देते हैं जिससे आपका जिगर और मैदा और अंत्रियां जो है तबाह हो जाती है और इसी तरीके से आपके जो है वो गुर्दे फेल हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ लग जाती हैं। तो तवानाई का इस्तेमाल बदरिया रोज़मर्रा इजाफी मसरूफियात या बाकायदा वर्जिश से करें। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ये फौरी वर्जिश जो है वो 4-4 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर शुरू कर लें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी वर्जिश करें, मतलब कि आज जो है वो आपने सिर्फ जो है वो 5-10 कदम चले, 72 कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत खाने के बाद, तो आप जो है 72 कदम ले लें। तो अगर आप जो है वो तमन्नाई को खर्च करते हैं 1 घंटा पैदल चलते हैं तो आपको 250 कैलोरी जो है वो आप खर्च कर लेते हैं। इसी तरह से आप जो है वो 1 ग्लास मौसमी का ताज़ा फल का किसी भी चीज़ का पी लेते हैं
तो ये 250 कैलोरी आपकी पूरी हो गई। तो इस तरीके से आप जो है रोजाना कोशिश करें कि आप जो है वो बैठे बैठे चलते फिरते लेटे लेटे भी आप वर्जिश कर सकते हैं। बाजुओं को हिलाएं, सर को हिलाएं, पाँव को हिलाएं, तो ये आपके 120 किलो कैलोरी जो है वो खर्च हो जाएंगे। पैदल चलने से हल्के फुल्के काम से जो है 180 किलोरी जो है वो आप खर्च कर लेंगे। साइकिल पर मैं तो वैसे मोटरसाइकिल पर आता हूँ, तो मेरे दोस्त जो है वो कारों पर आते हैं, तो मैं छोटे मोटे काम जो है पैदल ही करता हूँ। मतलब कोई भी सौदा लेके आना है, फर्ज के अंडे लेके आने हैं, स्लाइस लेके आने हैं, डबल रोटी लेके आने, पैदल जाके लेके आता हूँ। तो साइकिल भी मतलब नहीं चलाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि जो है वो पैदल ही जाऊँ। इस तरीके से तैराकी से जो है वो 300 कैलोरी, मुनासिब दौड़ने से जो है वो 580 कैलोरी जो है वो खर्च हो जाती है। तो आप जो है वो 5-10 मिनट रोजाना जो है टाइम निकालें, उसके बाद 15 मिनट निकालें, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटे तक आप जो है टाइम निकाल के जो सारा दिन में, ये नहीं मैं कहता कि एक ही दफ़ा, आप जो है 15 मिनट सुबह सैर कर लें, 15 मिनट दोपहर को कर लें, 15 मिनट शाम को कर लें, 15 मिनट रात को कर लें, पूरा घंटा आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मस्जिद के करीब मस्जिद है, इसमें नहीं जा रहा, थोड़ी सी दूर वाली मस्जिद में चले जाए, तो इस तरीके से आपको जो है ये चहलकदमी करें। औरतें जो है वो घर में जो है वो चहलकदमी कर सकती हैं, अपनी बैठक के अंदर, अपने जो है ऊपर जो है वो, खवातीन के लिए ज़्यादा खेलों में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जो है खवातीन को जो है वो अधेड़ उम्र की खास तौर पे खवातीन जो है वो अपने घरेलू कामों के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेके और छत के ऊपर या किसी और जगह पे जाके जो है हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो कर सकती हैं। सबसे काबिल उम्र वर्जिश जो है वो पैदल चलना है। वर्जिश का मतलब अपने आप को थकाना नहीं है, बल्कि जो है वो आजमाना नहीं है। तो इसमें जो है वो आपको सहूलत जो है वो आराम से आप चलना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है घर के सेहन में, छत या गली के अंदर जो है शुरू करें। इस तरीके से जहां आप थकते हैं वहीं रुक जाएं, आराम से बैठ जाएं, फिर 10 मिनट के बाद जो है आप कोशिश करें दौरानिया रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, और इस तरीके से आप जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से पैदल चलना शुरू कर देंगे। एक मुकर्रर फासला आपको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चल कर तय करें, और जो है तेजी से और दौड़ कर तय ना करने तो तवानाई जो है वो खर्च होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो कोशिश करेंगे 5 किलोमीटर जो है वो रोजाना फासला जो है वो तय करें, यानी 40 मिनट जो है वो आप 20 मिनट में कर लेंगे। तो इस तरीके से 1 घंटा वर्जिश को टाइम दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो आप जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो आपका जिस्म खूबसूरत और आपका जिस्म जो है पेट भी कम हो जाएगा। पाँव को हाथ लगाने से जो है वो ऊपर से नीचे होने को जो है बडिंग करने से, और इस तरह से जो है वो खड़े होकर जो है वो पंजों के बल जो है वो ऊपर उठाने से जो है वो कुर्सी पर बैठ कर उठाए। तो इस तरीके से आप जो है बैठे बैठे उठ के चलते चलते जो है घर में जितनी मर्जी वर्जिश कर लें। तो नमाज भी वर्जिश है। तो हम सब वर्षों का जो देखा है 17 रकातें हम पढ़ेंगे तो कितनी ज्यादा जो है हमारी वर्जिश हो जाएगी। तो अब सब वर्षों का दौरानिया 3 घंटे में कम अज कम 1 घंटा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है वो कोशिश करें कि जो बीमारियों वाले लोग हैं वो कम अज कम वर्जिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए, जो बीमार लोग हैं, दिल के मरीज हैं, तो फिर भी वो वर्जिश करें, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चहलकदमी करें। तो वर्जिश जो है वो कम अज कम अपने मालिक के मशवरे से करें। इसी तरीके से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले और दिल के मरीज वाले जो है वो अपनी सांस का ख्याल रखें, उनको सांस ना पूरे और ताकि कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा ना हो। तो इसी तरीके से वो बाकायदा वर्जिश की इजाज़त लेकर जो है वर्जिश करें। तो 10 मिनट की हल्की फुल्की वर्जिश है, और इसके बाद जो है वो अगले 20 और 30 मिनट में आखिरी 10 मिनट के अंदर जो है जिसम को ठंडा करें, और एकदम वर्जिश शुरू ना करें बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वर्जिश करनी शुरू। पहले हल्के से जंप लें, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पैदल चलें, फिर उसके बाद तेज़ी से वर्जिश करें। तो इस तरीके से जो है आप जो है वो बेहतर वर्जिश जो है वो कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर जो है वो कर सकते हैं। आपके इलम में होना चाहिए कि आपके इन हालात में जो है वो वर्जिश नहीं करना चाहिए। जब भी आपको नजला जुकाम हो जाए, आजकल बहुत ज़्यादा नजला जुकाम हो रहा है, गले की इन्फेक्शन हो रही है, तो ऐसे लोगों को वर्जिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो गर्म पानी से नहाना चाहिए, तो कम के अंदर जो है जब आपकी शक्ल हो जाए करें।
इसी तरीका से जो है बकरी का कहकर फौरी तौर पर बंद कर दें, जिनकी धड़कन को बकायदा 140 हो जाए तो आप बंदिश को रोक दें, इसी मेरा ज्यादा आ जाए तो इस तरीके से जो है अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो आप वर्जिश को कम से कम जो है वो कर दें। तो अपनी वर्जिश के लिए जो है वो रफ्तार को कम से कम करें, जिस्मानी फिटनेस को जो है बड़ी अहमियत दें और फिटनेस को बेहतरी के लिए जो कोशिश करें। तो इस तरीके से आप जो है वो डायबिटिस के अंदर जो है वर्जिश कम से कम जो है वो करें, लेकिन जो है वर्जिश आप थोड़ी सी चहल कदमी तो जरूर करें, ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें और इसके मुताबिक जो है आप अपने आप को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। बहुत मरीज भी है वो इनहेल कर सकते, तो आप इन दिनों के अंदर जो है इलायची सौंफ मौजूद होते हैं, तो जब भी आप पानी इस्तेमाल करें तो आप जो है ये फिल्टर पानी के बाद जो है वो आप इसको उबाल के इस्तेमाल करें। 2 किलोग्राम वजन कम करने के लिए आप जो है वो तकरीबन 1.5 साल की सहूलत आपको दी जा सकती है, ना भूखे रहना पड़ेगा और ना ही किसी जिम खाना और किसी भी जो है ये स्लिमिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। वजन कम करने के लिए मुख्तलिफ गज़ाई फार्मूला जात और अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जो है सुने सुनाए ये इंटरनेट पे इतने ज़्यादा जो है चीज़ें आती हैं इन पर अमल ना करें, कोशिश ये करें कि आप अपने आप को खुद जो है वो समझें कि मैंने क्या करना है, कैसे अपने आप को स्लिम करना है, कैसे अपने वजन को कम करना है। इसकबूल का छिलका जो है रोजाना इस्तेमाल करें, फाइबर वाली गजाएँ इस्तेमाल करें, दवाइयों को छोड़ दें, दवाई जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, जितनी भी खास तौर पे अंग्रेजी दवाई सा आपके लिए जहर है, मैं तो ये कहता हूँ कभी अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल ना करें, हमेशा हल्की फुल्की देसी अद्वियात का जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बड़ी मुफीद है। इसमें आप जो है वो उसमें जो है वो आप बहुत से अमराज से बच सकते हैं, जितनी भी सेडेटिव दवाइयाँ हैं, जितनी भी जो है वो ट्रैंकलाइजर है, जितनी भी जो है ये स्टीराइड है, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, जितनी पेन किलर है, वो जाके मेदे को तबाह कर देती हैं, आपके जिस्म को तबाह कर देती हैं, आपको उस पर लगना पड़ता है, आप ये समझे कि वो आपके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग को बंद करवाएं और करें। इसके ऊपर नफरत पे जब तक आप अंग्रेजी दवाइयों से पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आप जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। हमेशा जो है छोटी छोटी अदरक बहुत अच्छी दवाई है, दालचीनी बहुत अच्छी दवाई है और जायफल बहुत अच्छी दवाई है, ये छोटी छोटी दवाइयाँ हमारी जो है देसी है, इसके छोटे छोटे टोटके हैं, तुरंजा शीरी है और इसके दर्दों के लिए बेहतरीन जो है गंध नगोरी है, हजारों दवाइयाँ हमारी हैं जिनको आप इस्तेमाल करके खुशहाल और बेहतरीन तंदुरुस्त और खूबसूरत और अपने आप को जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप एक दफा अंग्रेजी दवाई ले लेंगे तो फिर उसके आदी हो जाएंगे और सारी जिंदगी आपको जाइए लगा देंगे, उनका तो ट्रेड चलना ही चलना है लेकिन आप जो है वो फंस जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने आप को जाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमरा नंबर 46 शोभा टिप के अंदर जो है तशरीफ लाएं, मैं और मेरे सब ऑर्डिनेट आपकी खिदमत में हर वक्त जो है वो हाजिर है। तो इस वक्त जो है वो हम मुनासिब हमारे पास वजन की मशीन भी मौजूद है और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का आला भी मौजूद है और इसी तरीके से ECG भी हम फ्री करवा सकते हैं और आपका जो है लिपिड प्रोफाइल भी फ्री करवा सकते हैं और इसी तरीके से जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट भी आपका फ्री करवा सकते हैं। तो ये सारा आपको जो है सहूलियात जो है वो कमरा नंबर 46 शोभा टिप के अंदर जो है वो आपके लिए जो है वो हर वक्त मैं हाजिर हूँ, मेरे सब कोऑर्डिनेट हाजिर है। तो आप जरूर तशरीफ लाया करें, अपने दोस्तों को भेजा करें, जितने शुगर के मरीज हैं हमारे पास उनके लिए दवाई है, उनके लिए दवाई है और आप उनको भेजें। ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास दवाई है, उस पर लगता नहीं बंदा चंद दिनों में जो है शुगर और ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाते हैं, जिगर के अमराज बेहतर हो जाते हैं, ये जो लोग पित्ते की पथरियाँ और इस तरह के लोगों को जो है ये पट्टू डालते हैं ये ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं होते, तो हमारे पास ऐसे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम इनका इलाज करते हैं। गुर्दे की पथरियाँ, आज भी 4 मरीज गुर्दे के आए,
उसमें शिष्ट भी थी, पत्नियां भी थी, तो अल्लाह उनको शफा देता है। तो इस तरीका से जितने भी लोग हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो वो अल्लाह ताला उनको शफा देता है। हम उनकी डट्टीपन को, उनके डट्टी क्लॉथ को धो के जो है उनको साफ करके जो है वो बेच देते हैं। तो उनको कहते हैं कि ये चीज़ आप डट्टी जिस चीज करते हैं वो चीज़ें आपने नहीं खानी। यानी कि अगर कैल्शियम कैल्शियम की पथरी है, ऑक्सोलिक एसिड की पथरी है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है, तो हम जो है उसको डिजॉल्व कर देते हैं, कैल्शियम को अलहदा कर देते हैं, ऑक्सोलिक एसिड को अलहदा कर लेते हैं। तो हमारी बहुत सी ऐसी अदवियात है, यूरिक एसिड की पथरी है तो हम उसको जो है डिजॉल्व कर लेते हैं। हमने ये प्रैक्टिकली तौर पर तजर्बात किए हुए हैं। जब हम बहावलपुर पढ़ते थे तो हम वहाँ से बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से जो है ये पथरियाँ लाते थे, उनको ला के डिजॉल्व करते थे इन चीज़ों में। आब तुराब है हमारे पास और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई नुकसान नहीं देती और अल्लाह की रहमत से शफाए कामला और आजरा अता फरमाती है। ये लोग कहते हैं कि आप जो है वो जिगर की जो है वो पथरी को कैसे निकालते, पित्ते की पथरी को कैसे निकालते, जैसे बनी वैसे निकल जाती है, कौन से रास्ते से, जिस रास्ते से बनी है, भी होता क्या ये कोलेस्ट्रॉल होता है सादा। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, ये जो है घी है। आप समझ लें कि हम उसको पघला देते हैं, जैसे घी को गर्म करने से आप फ्रिज में रखें, तेल को गर्म रखें फ्रिज में, वो जम जाता है, एक जो है वो गिल्टी की सूरत जो है वो एक दली की सूरत तैयार कर लेता है। तो जब आप उसको गर्म करते हैं तो दोबारा जो है वो घी बन जाता है। तो इसी तरीके से जो पथरी बनी हुई है कोलेस्ट्रॉल की, भाई उसको हम जो है ये गर्म करके जो है उसको, उस सफरा की पथरी होती है उसको हम जो है ये एंटी सफरा दवाई देते हैं, जिससे वो निकल जाती है, पिघल जाती है। खुदा का नाम माने ना निकाले उनके जिगर, ना निकाले उनके पित्ते, वो अल्लाह का नाम लेके जो है उनको छोड़ दें। अल्लाह ने ऐसी चीज़ें नहीं बनाई। आप बड़े समझे, बातों को जाने। आप जो है वो जीरो नॉलेज जो है, अंग्रेजों ने जो आपको चीज़ें बता दी, कट दे वट दे तोड़ दे फोड़ दे, तो ये कोई बात नहीं है भाई। खुदा का काम करे तो छोड़ दे इन लोगों को, जो बेचारे गरीब लोग हैं आपके पास आके फंस जाते हैं, आप इनको तजर्बात करते रहते हैं सारा दिन। तो अल्लाह आपको जो हदायत दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों भाई।